हुआ जानलेवा हमला। जी हाँ, यूपी के वाराणसी जिले के जनसा थाना अंतर्गत जनसा बाजार में फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। आपको बताते चले कि जितेंद्र यादव जो कि फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार हैं, अपने मित्र अनिल मौर्या के साथ उनके बहन के यहाँ कार्यक्रम में गए थे। उसी बीच कुछ दबंग जैसे दीपू मौर्या, शिवम सिंह, भोनू सिंह, सूरज गौड़ व दो लोग अज्ञात उनके दीदी के घर में छेड़खानी के प्रयास से घुस रहे थे। उसी बीच रोकने पर नशे में धुत इन लोगों ने जितेंद्र यादव, अनिल मौर्या के ऊपर जानलेवा हमला के फिराक में मारना पीटना चालू कर दिया। मौके पर एसआई बब्बन सिंह मौजूद थे। उसके बाबत उन लोगों ने एसआई बब्बन सिंह के सामने जितेंद्र यादव पत्रकार को लात घुसे से मारे। उसके बाद देसी तमंचा लहराते हुए निकल गए। पत्रकार के विरोध करने पर साथी पत्रकार और राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष नागेंद्र पटेल व उपाध्यक्ष अनिल मौर्या व राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग मंत्री आनंद व कार्यकर्ता के साथ विरोध करने पर थाना का घेराव किया गया। तब थाना अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव में मुकदमा कायम किया, लेकिन फरार चल रहे दीपू मौर्या, शिवम सिंह, मोनू सिंह, सूरज गौड़ व दो लोग अज्ञात में उनकी दीदी के घर जाकर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अगर सुलहनामा नहीं किया गया तो तुम्हारे एक बेटे हैं, उनको जान से मार देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पीड़ित महिला रो रो कर बयान कर रही है कि उसके बाबत भी जनसा पुलिस मौन बैठी है। आपको बताते चले कि दीपू मौर्या, शिवम सिंह, मोनू सिंह, सूरज गौड़ लोग अज्ञात में हैं, जो कि आए दिन जनसा थाना अंतर्गत पैसा देकर जुआ खेल आते रहते हैं। इसी के बावजूद जनसा पुलिस मौन बैठी है। अब देखना यह है कि पत्रकार के साथ कितना न्याय कब होता है। देखिए सीहोरवा से श्याम सुंदर वर्मा की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूँ, रिपोर्टिंग इंचार्ज लोता। मेरा ग्राम सरवनपुर है। मेरे सहयोगी पत्रकार अनिल कुमार मौर्य हैं। इनके दीदी के यहाँ कल यहाँ पूजा कार्यक्रम था, जो जनसा है बियर शॉप के बगल में। कल हम लोग इनके साथ जो है इनके दीदी के यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, जो दिख रहे हैं इनकी दीदी हैं। और यहाँ पे कुछ मनबड़ जो कि एक शिवम सिंह कुंडरिया के हैं और आपके एक दीपू मौर्य हैं, उनके साथ चार लड़के थे और जबरदस्ती गेट में खुलने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग यही पूछे कि भाई अंदर क्यों जा रहे हो। इतना पूछने के बाद उन्होंने बोला तुम कौन हो। उसके बाद हम लोगों को, हम दोनों पत्रकारों को मारा पीटा गया। यहाँ प्रशासन आई, प्रशासन के सामने मारा गया। यहाँ बब्बन सिंह है जो है इंचार्ज, चौकी इंचार्ज नहीं है, एसआई है यहाँ पे, उनके सामने हम लोगों को मारा गया। और उसके बाद मैंने जाकर FIR दर्ज कराया, जो कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यह दीदी हैं, इनके घर कुछ लोग आकर धमकी दे रहे हैं कि आपके पास एक लड़का है और समझ लीजिए क्या हो सकता है। इनको बार बार धमकी हो रहा है और ये बेचारी रो रही हैं। और थोड़ा इनसे भी जान लीजिए कि क्या हुआ है। आप अपना परिचय दीजिए। बताऊँ कहाँ से हैं? कहाँ से भैया? आपका नाम क्या है? मुनीर। क्या हुआ है आपके घर पे? घर पे कल फंक्शन तथा था, भाई लोग आए, बाहर खड़े थे तो कोई आ रहा था अंदर, तो बोले कि क्या है अंदर, कोई नहीं है, तो नहीं माने, जबरदस्ती आ रहे थे, बोले कि क्यों जा रहे हैं, तो इनको गाड़ी उड़ी देख के मारने लगे। कौन कौन लोग थे, आप पहचानी हैं उनको? जिनको मारे? नहीं, हाँ जो मारे हैं उनको आप पहचानी? कौन कौन मारे? पहचाने हैं। अच्छा, मारे भाई, दोनों भाई। आज कौन आपके घर पे आके धमकी दे रहे थे? और कहने वाले तो आए थे उधर थाने वाले, हम देखे नहीं कौन कौन है, मतलब नाम नहीं जानते थे, बताते दबाव डाल रहे थे। क्या क्या बोल गए हैं? तो बोला क्या कल कौन 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 आए थे घर पे आपके?